मेरा 2 बजे का जब मन करेगा बैठा कर भाग जाएगा बाइक, तू बता कर भी नहीं जानता है तो गाइस आज ना अमन की बहुत बात लग रही है देखो। मैं डांट क्यों रहा हूं, मेरे को बता दो। डांट का डांट इसलिए नहीं हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय एपिसोड एंड मेक श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आज मैरी क्रिसमस है यानी कि 25 दिसंबर और आज के दिन सबकी छुट्टी है, बट फिर भी ना आज हमारे घर पे ना कोई भी नहीं है, मतलब मेरे और निक्की के अलावा। मम्मी जॉब पे गई, पापा जॉब पे गए, विपिन भी चला गया, नेहा भी कोचिंग पे चली गई, तो मतलब मेरे और निक्की के अलावा ना भाई कोई भी नहीं है घर पे। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग जा रहे हैं मसूरी, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मसूरी मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं मेरा भाई, एक मेरा दोस्त और एक मेरा कजन भाई जो हरियाणा से आ रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने कजन भाई को पिक करने, वो निकल चुका है तो वो पिरागढ़ी पहुंचेगा, तो मैं उसको जाऊंगा पिरागढ़ी लेने। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है तो बाइक पे जाऊंगा उसको पिक करने। ठीक है अभी फटाफट चलते हैं। और अभी मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया है तो मैंने सोचा पहले उसे ना लेकर आ जाते घर पे, फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और गाइस आज सुबह ना मेरे को एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो मेरे भाई ने मंगाए थे, तो मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आने के बाद। तो फटाफट पहले अपने भाई को लेने चलते हैं और फिर आके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है गाइस रेडी है, चलते हैं भगवान जी का नाम लेके। तो फिलहाल गाइस अभी मैं आ गया हूँ राहुल के घर, राहुल जा रहा है मेरे साथ, तो अभी फटाफट चलते हैं। पहले हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, वो ना आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं और हम लोगों को ना 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो गाइस एक बहुत बड़ा पॉपअप हो गया, हम लोगों को इधर जाना था नीचे और गलती से हम लोग ना फ्लाईओवर पे चले गए थे, तो अभी हम लोगों को फिर से बाइक मोड़नी पड़ गई। तो फाइनली गाइस हमको हमारा भाई मिल गया और हमारे अनिकेत भाई जो हमारे काफी चैलेंज में विजेता रहे, आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा था, बट ये हमारे साथ नहीं जा रहे, तो वापस घर जाना होगा। तो ठीक है ध्यान से जाना भाई, ठीक है बहुत जल्द मिलते हैं, आना मिलना, ठीक है। और अंशु हमारे साथ जा रहा है, हमारा भाई क्या कर रहा है, दुखी कर रहा था कहता। चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं, अब मैं अंशु और राहुल अब हम लोग चले जाएंगे यहाँ से घर, और हमारा निकेत भाई जा रहा है घर, तो बहुत जल्द मिलेंगे। ट्रिप आने के बाद ना मैं वापस इसके घर जाऊंगा इससे मिलने, ठीक है बहुत जल्द मिलने आऊंगा। सो फाइनली गाइस घर आ गए हैं। तो गाइस अभी अंशु कह रहा है कि मेरे को एक बार सिलेप ले बटन देखना है, तो हम लोगों ने उधर रख रखा है भाई। रिएक्शन अजीब सा लग रहा है ना, मतलब पहली बार बाइक खोलने की इच्छा है, ये ऐसे खुलेगा। भाई गच लग गया, बढ़िया लग रहा है। मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मैंने भी इसे ना गोद में रख लिया था। अलग ही एक्साइटमेंट होते जब अपने पास सिलेप ले बटन आता है। अभी तक मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे पास सिलेप ले बटन आ गया हमारे पास। तो गाइस अभी समोसे खा रहे हैं और फिर करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो फिलहाल गाइस अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते इसके अंदर क्या है, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, वही फिलहाल एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फिर देखते हैं क्या है। एक और पन्नी से लिपटा हुआ ये गाइस पावर बैंक है, 20,000 mAh का बोट का पावर बैंक है ये, क्योंकि हम लोग कल मसूरी जा रहे हैं ट्रिप पे, तो शायद मेरे भाई ने करा था। ठीक है पावर बैंक काम आएगा हमारे ट्रिप पे, क्योंकि बैटरी खत्म हो जाती है और हमें ब्लॉक करना होता है, तो पावर बैंक काम आएगा। और गाइस तुम ये वाली पन्नी देखो। और गाइस आज शाम को हम लोग अपनी पूरी पैकिंग कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पैकिंग नहीं करी है, हम लोग जा तो रहे हैं 3 दिन के लिए, हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी पैकिंग नहीं करी है, तो आज मेरे को और मेरे भाई को अपनी पूरी पैकिंग करनी है, तो रात को करेंगे क्योंकि मेरे भाई तो रात को ही आएगा, तो रात को अपनी पूरी पैकिंग कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस रात के 7 बजने वाले हैं और मुझे ना वैसा लग रहा है कि मेरे को ना कोल्ड हो रहा है धीरे धीरे, नाक भी बह रही है, सर में दर्द हो रहा है और थोड़ा बहुत फीवर भी लग रहा है, बॉडी भी गर्म हो रही है, और मुझे इस बात का डर लग रहा है कि अगर हमारी ज्यादा तबीयत खराब हो गई ना मेरी, तो भाई मैं ना बिल्कुल भी मजे नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के दवाई लेके, और उम्मीद करता हूँ भगवान से बस ये दुआ करता हूँ कि मैं ना कल तक अच्छे से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम ना खाटू श्याम मंदिर गया था ना, तो वहां ना मेरे को ना मतलब बीच में ना आई फ्लू हो गया था, तो भाई वहां ना मेरी ना हालत खराब हो गई थी और तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैं वहां पर ना बिल्कुल भी मजे नहीं कर पाया था ट्रिप के, बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर पाया था, तो मैं जाता हूँ डॉक्टर के। और गाइस हम लोगों ने अपना पावर बैंक भी चार्ज पे लगा दिया है। गाइस ठंड से बचने के लिए मैंने शॉल भी ओढ़ लिया है। तो गाइस दवाई ले ली है, डॉक्टर अंकल कह रहे हैं दवाई टाइम से ले लेना आज और कल सुबह, तो कल तक ठीक हो जाएंगे। तो फिलहाल गाइस जाते 11 बजने वाले और अभी मैं सो के उठा हूं, मैं डॉक्टर गया था दवाई लेने, फिर घर आया दवाई ली और मैं डायरेक्ट सो गया था, और अब जाके उठाऊ मैं 11 बजे, और अब थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है मेरे को। जब मैं सो रहा था ना मेरे को छोड़ के ना सबने ना भाई पैकिंग कर दी है, मम्मी और विपिन ने मिलके ना पूरी मतलब पैकिंग कर दी है, मेरे को लगा ये मेरे को उठाएंगे, मम्मी आएगी ना तो मम्मी पैकिंग करती है हमारे, तो मेरे को लगा ये आएंगे मेरे को उठाएंगे फिर हम सब साथ मिलकर पैकिंग करेंगे, भाई जब तक मैं सो रहा था ना इन्होंने आधे घंटे में ना पूरी पैकिंग कर भी दी है। अभी ना मम्मी ना बैग फिर से खोल रहे हैं मेरे को एक जैकेट दिखाने के लिए, क्योंकि मम्मी मेरे लिए एक नई जैकेट लेकर आई है।
हाँ अच्छी लग रही है। तो ठीक है गाइस, पैकिंग तो मस्त हो गई है। मम्मी और रुपिन ने पैकिंग कर लिया और मेरे दोस्त से बात हो गई। और गाइस मेरे दोस्त से बात हो गई है, वो भी कल टाइम पे मेरे घर आ जाएगा और हम लोग चारों साथ में निकलेंगे घर से। गाइस निक के मेरे को विशेष दे रही है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मंगलवार दिन ही हो रही है हमारी यात्रा। अरे हाँ कल मंगलवार है ना, बजरंगबली। मेरा 2 बजे का जब मन करे बैठा कर भाग जाएगा बाइक। कल भी गया था, तू बता कर भी नहीं जानता है तो। गाइस आज ना अमन की बहुत वाट लग रही है, देखो तू मेरे पास सोया होगा ऊपर। ठीक है वैसे डांट क्यों रहे, मेरे को बता दो। डांट क्या, डांट इसलिए रही हूँ, मैंने तेरे को बोला था कि मौसम खराब है, तूने बाहर जाना है, तू रात को बाहर मत जाएगा, तू बिना पूछे जबरदस्ती बाहर गया रात को। अरे बस एक बार चाय पीने तो गया था। दो बार आज भी, आज भी जुकाम हो गया ना। मम्मी क्यों गुस्सा आप इतना, थप्पड़ मार दो ना, बता दूंगी क्यों गुस्सा इतना। यार फोन दूर रख लो, मम्मी का कुछ नहीं पता, कैमरे पे हाथ मार देगी तो फोन भी टूट सकता है। भाई पता है क्या है, बाहर जाना होता है ना तो अपने आप को संभाल कर रखना होता है, ऐसे थोड़ी ना हो गया ना जुकाम। गाइस मेरे को डांट पता हूँ क्यों पड़ रहे हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं ना एक दो बार ना कभी कभार ना मैं ज्यादा एडिटिंग करता हूँ, मतलब नींद नहीं आती ना तो मैं रात को एडिटिंग करता हूँ 2-3 बजे, तो ना एक दो बार ना ऐसा हो गया होगा कि मैं ना चाय पीने चला जाता था बाहर, तो उसी में ना इन लोगों को पता चल जाता था और मैं इनको ना बता के भी जाता था, ऐसी कोई बात नहीं, पर इनको सुबह बताता था आके। और ना मेरी तबीयत खराब हो गई है तो अब मम्मी कह रही है ना तू बाहर जाता ना तो इसलिए तेरी तबीयत खराब हो रही है, तो उसी के चक्कर में मेरे को डांट पड़ रही है। अब नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, मैं ताला लगा कर चाबी अपने पास रखा करूंगी। भगवत गीता में आज हमने पढ़ा, जो भक्त अपने भगवान के सच्चे और अच्छे दिल से पूजा करता है तो भगवान के पवित्र गुण स्वयं उसके भक्त में भी आ जाते हैं। तो गाइस खाना खा लिया और मैं दवाई ले रहा हूं, और दवाई लेके मैं सो जाऊंगा, रेस्ट करूंगा ताकि कल सुबह तक मैं ठीक हो जाऊं। और गाइस ये वाला व्लॉग मैं कल एंड करूंगा क्योंकि कल हम लोग ट्रिप पर जा रहे ना, तो मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेकर आना, और एक बार फिर से मेरे को कल सुबह डॉक्टर के जाना है दवाई लेने, क्योंकि मैं एक दिन की दवाई लेकर आया था और हम लोगों को ट्रिप पे 3 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो मम्मी जी ने बोला कि कल फिर से दवाई लेकर आ जियो और थोड़ा बहुत सामान भी लेकर आना मेरे को जो मैं कल लेकर आऊंगा। तो कल इस व्लॉग को एंड करेंगे, अभी फिलहाल दवाई लेकर मैं सो रहा हूँ। अंशु भी सो गया, विपिन भी सो गया, तो अब आप लोगों से मिलते हैं सीधा कल। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले डॉक्टर के, मम्मी जी के साथ। और मम्मी जी ने ना आज की छुट्टी नहीं बट हाँ जॉब पे जाएगी, बट हम लोग जब चली जाएंगे ना, जब जाएगी मम्मी ने बोला कि ना हमको ना अच्छे से भेज के खाना वाना पैक करके सामान पैक करके जब मम्मी हम लोगों को अच्छे से भेजेगी, वरना तो मम्मी इस टाइम तक ना जॉब पे चली जाती है। मम्मी जी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है और यहाँ पर हमारे सारे बैग पैक हो गए हैं, बट अभी थोड़ा बहुत सामान रह रहा हूँ जो मैं लेने जा रहा हूँ पहले, तो फिलहाल अभी मैं और मम्मी डॉक्टर के जा रहे हैं। और गाइस सुबह सुबह ना नेहा ना कोचिंग पे चली गई है, बस उसने मेरे को उठाया थोड़ा सा और बाय बोल दिया, तो अब डायरेक्ट उसे फोन पे बात होगी। और गाइस विपिन ना आज भी जॉब पे गया है पर वो ना जल्दी आ जाएगा, हम लोगों को ना घर से 12:30 बजे निकलना है, तो वो 12:30 बजे तक आ जाएगा और फिर हम लोग मस्त रेडी होके साथ में निकलेंगे। चले तो गाइस डॉक्टर के आ गए हैं, तो गाइस डॉक्टर के से आ गए हैं, दवाई ले लिया और मैंने ना एक इंजेक्शन लगवा लिया है ताकि थोड़ा बहुत ठीक हो जाए अच्छे से। और फिलहाल अभी चलते हैं घर, हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया है और मैं घर जाके दिखाता हूँ हम लोगों ने क्या लिया है। तो गाइस घर पर आ गया और दवाई भी ले लिया मैंने, इंजेक्शन भी लगवा लिया है और मैं बताता हूँ मैं क्या लेकर आया हूँ। हम लोग लेकर आया अपने लिए मैगी, और गाइस हम लोग मैगी इसलिए लेकर आए क्योंकि हम लोग पहाड़ों पे, क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे ना तो वहाँ हम लोग खुद से मैगी बनाएंगे, और मैगी बनाने का सामान भी हम लोगों ने रख लिया है, 4 से 5 मैगियां रख ली है और थोड़ा बहुत सामान भी है जैसे चार्जर, पावर बैंक तो यहाँ खैर चार्ज हो रहा है। अभी सारा सामान मैं पैक कर लूंगा, फिर एंड में जाके मस्त तैयार होके हम लोग निकल जाएंगे। अभी तो फिलहाल 11 बज रहे हैं, 12:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो ठीक है अब आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, हम लोग जब रेडी हो जाएंगे। तो ठीक है अभी फिलहाल करते हैं ब्लॉग एंड, आई होप आज के ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और गाइस आगे के ब्लॉग जरूर देखते रहना, 3 से 4 दिन बहुत मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।